मेरा नाम अभिषेक है। भारत देश के समस्त सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज हों या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज हों। दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया है कि बीजेपी रूल जितने भी स्टेट्स रही हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी, जिनको जो करना है वो कर लें। हिमाचल प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार ने बोला है, हिमाचल प्रदेश के सीएम जी ने बोला है कि अगर सरकारी कर्मचारियों में क्षमता है, अगर वो पुरानी पेंशन योजना पाने का दम रखते हैं और उनमें अगर क्षमता काबिलियत है तो आग के चुनाव लड़के दिखाएं और पुरानी पेंशन के हकदार बन जाएं। बाय द वे, मैं सुन रहा था अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी का अभिभाषण कुछ दिन पहले का। उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो पैसा है सारा का सारा पैसा सरकारी कर्मचारियों के भत्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार वहाँ नहीं करना चाहती है, उन पे नहीं लुटाना चाहती है। एंड सरकार चाहती है कि जो लायबिलिटी बनी है, जो पुरानी पेंशन योजना अभी पा रहे हैं, तो 2040 तक वो फ्री हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो पैसा रहेगा वो सदुपयोग के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए यूज हो सकता है जिनको ज़रूरत है या फिर सरकार जिनको सोच रही है कि अभी वो उच्च तबके पे नहीं आ रहे हैं या फिर उनमें जो स्ट्राटा ऑफ लिविंग मेंटेनेंस है, स्टैंडर्ड है, वो अभी काफ़ी अच्छा नहीं है, तो उनकी तरक्की के लिए वो प्रयोग होगा। बाय द वे, एनपीएस की बात जहां तक आई तो उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने ये भी बोला है कि एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट उन्होंने इंक्रीज़ किया है 14%, एंड ये काबिले तारीफ है। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, तो इन्होंने ये बोला है कि खासकर अशोक गहलोत जी ने कि हमने पुरानी पेंशन योजना बहाल राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर किया है। हमने देखा है किस तरह से एक असहाय, बेसहारा, लाचार हो जाया करता है कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद, तो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख के उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत इसे दिया है। तो बाद में हरियाणा सरकार भी या फिर बीजेपी रूल जितने भी स्टेट्स हैं सभी ने साफ साफ बोल दिया है। खासकर मैं हरियाणा की बात करना चाहूँगा, उन्होंने साफ साफ बोला है कि वो अपना पैसा सरकारी कर्मचारियों पर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, कमी है, और वो जितना भी पैसा है वो मुफ्त में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को नहीं बांट सकते। बाद में दोस्तों, कोई वीडियो सस्ती हमारे साथ रहेंगे, हम आपके सामने रहते रहेंगे।